वंदन है परम तारक जिन शासन को, वंदन है उन तीर्थंकर भगवंतों को जिन्होंने इस जिन शासन की पहचान हमें कराई। वंदन है उस सदगुरु परंपरा को जो इस जिन शासन के प्रति हमेशा के लिए नतमस्तक रहे, और वंदन है श्री संत जिसने जिन शासन को स्वयं के प्राण स्वरूप महसूस किया। आज वास्तव में भीतर अनुभव से भावित आज की यात्रा कल से भी कठिन, फिर भी जिस प्रकार से यात्री चल रहे थे, नंगे पांव चलने जैसा रास्ता नहीं था। साधन सुविधाएं अपना सकते थे, कोई मना करने वाला नहीं था। मेरे जैसे शायद इन साधु भगवंतों ने या आपस में भी किसी ने कहा होगा, पांव में पहन लो गाड़ी बैठ जाओ। लेकिन जिस मनोबल और आत्मबल के साथ धीरे 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 लेकिन चलते, कष्ट हो रहा था फिर भी एक निर्धार था, एक निर्णय था, गिरिराज की स्पर्शना करनी है तो ऐसे ही करते। उस भाव को आप आज भीतर की गहराई से बदलते। कल मैंने कहा था आप अनंत सामर्थ्य के स्वामी हैं। ये अवसर इसकी पहचान करने का, सिर्फ चलना नहीं है इस प्रकार से, साथ साथ आप कितना सामर्थ्य लेकर बैठे, और वो सामर्थ्य आज इस प्रकार से अभिव्यक्त हो रहा है, प्रयोग रूप हो रहा है। मैं ये कर सकता हूं, एक आश्चर्य स्वयं के सामर्थ्य और अहोभाव उस सामर्थ्य के प्रति, और फिर इसको प्रयोग रूप करने का। क्षमा भी चाहूंगा श्री संघ की, कल रात को मैंने कहा था 11.5 किलोमीटर नहीं, मैंने जो कहा था, मुझे जो जानकारी दी गई थी वो ही कहा। मुझे पता नहीं था संकेश्वरपुरम कितना किलोमीटर है, मुझे पता नहीं था आज का पड़ाव संकेश्वरपुरम नहीं है, इसके आगे। मैंने जो कहा था मेरी जानकारी के हिसाब से सही कहा था, लेकिन जहां पहले पड़ाव तय हुआ था वो वल्बीपुर में जैसी जगह थी ना, आपको क्या लगता है वल्बीपुर में भी पांडाल में ठहरे हुए वो, और कल भी ठहरे आज भी ठहरे हुए, कहां अच्छा लगता है? आज महाराज साहब ने क्या फरमाया, और जितना है उतना कम पड़ता है वो दरिद्र। आप श्रीमंत हो कि दरिद्र, स्वयं से पूछना है, जब निंद नहीं आए पूछना है। शत्रुंजय की भावात्मक शत्रुंजय है, निज स्वरूप जो शत्रुंजय स्वरूप है उसकी ओर जाने से पहले संसार की असारता का बोध, यानी संसार ने मुझे कुछ भी नहीं दिया है। हाँ, बाहर की सामग्री मिल गई, प्रतिष्ठा मिली, सब कुछ बाहर में मिला, लेकिन भीतर से चैन अंश मात्र नहीं, यानी ये संसार मुझे चैन नहीं दे सकता। ये संसार चैन देने में सर्वथा असमर्थ है, ये संसार शांति का एहसास कराने में सर्वथा असमर्थ है, ये संसार भीतरी जो सुख है जो अनंत आत्माओं ने पाई है, ये सुख का एक अंश इसका आस्वाद चखाने में सर्वथा असमर्थ है। ऐसा जब निर्णय भीतर से होता है तब भीतरी शत्रुंजय की ओर ये पहला कदम।
और तब निश्चित रूप से ये गाथा में जो कहा गया है, एके को डगलू भरे शत्रुंजा समुझे दिखव कहे भव क्रोड़ना कर्म थपावे। बाहर के शत्रुंजय की ओर कदम उठाते हैं, ये जो कहा है वो स्वयं के लिए सत्य ही है ऐसा निश्चित रूप से नहीं कह सकते, लेकिन अगर भीतरी शत्रुंजय है उस और एक छह आठ महीने बारह महीने का बालक उसका कदम कितना होता है, इतना ही इतना इतनी नजर हमारी अंदर गई तो निश्चित रूप से ये गाथा के जो वर्डिंग्स है इसके भीतर में जो भाव छिपा है वो हमारे लिए सही साबित है, महसूस कर पाए। ये यात्रा करते करते बस भीतर की यात्रा की ओर जाना है, आज महाराज साहब ने इशारा कर दिया, अब दो दिन बाकी, अब थकान की बात नहीं, आराम की बात, नींद की बात सब छोड़ के जब यात्रा के लिए आए हैं, इतनी अनुकूलता हुई है भीतर जाने की। 365 दिन में बहुत कम अवसर आते हैं ऐसे कि आप सारी बाहरी जो व्यवस्थाएं हैं इससे दूर इतने लंबे समय तक रह सको और एक अच्छे वातावरण में माहौल में जो अनुकूल है शत्रुंजय के गर्भ की पहचान करने, शत्रुंजय की भीतर की पहचान करके स्वयं की भीतर की गहराई में जाने के लिए। अब हमारे पास दो दिन है, उस दो दिन का अब रोड आगे कैसा आएगा कैसा। कल 170 जिनेश्वर भगवंत को जुहार कर फिर परसों तलेटी की स्पर्शना करनी है। एक बात कहूंगा, आज सुबह जब निकले, मुझे पता नहीं किसी को पता होगा कि नहीं, आज कितना किलोमीटर थे, 11.5-12 की मेरी समझ थी। यहाँ से जब प्रस्थान हुआ तो साधु भगवंत और संगपी परिवार निकले, इससे पहले बहुत सारे लोगों ने चल दिया, मुझे बहुत दुख होता है। बंबई में एक उपास रहे की गैलरी से मैंने एक मस्जिद का दृश्य देखा, बहुत करीब से, करीब 50-60 फीट दूर से, करीब करीब 150-200 लोग मुसलमान वहां पर नमाज पढ़ रहे थे। वो जब सिर झुकाते थे सारे वो मुसलमान के सिर एक साथ धरती को टच होते थे, वो जब खड़े होते थे एक साथ खड़े होते थे, पिन ड्रॉप साइलेंट। जो लोग ज्यादा नहीं पढ़ते, जो लोग कट्टर हैं, और जहां कट्टरता होती है वहां ज्ञान नहीं पनपता, फिर भी इनमें ये डिसिप्लिन। राकेश भी झवेरी का नाम सुना होगा, धर्मपुर में बहुत बड़े श्रीमद जी के अनुयायी है, श्रावक है, एक गृहस्थ है। आज हिंदुस्तान के बाहर कई देशों में उन्होंने भगवान के धर्मों को किस प्रकार पहुंचाया और लोग इनको गुरुदेव मानते हैं। जब धर्मपुर में शिविर लगती है या बंबई में योगी सभागृह, उनके प्रवचन 15 दिन में एक बार होते ही है, और एज क्या होती है सुनने वाले की, अभी भैया 35-40 से नीचे अधिकतर लोग, 99% लोग। धर्मपुर में शिविर लगती है 2,000, 1,500, 2,500 युवा युवतियों की शिविर लगती है। जब प्रवचन पूरा होता है सब अपनी जगह पे खड़े रहते हैं, अपनी जगह पे, राकेश भी उतरते हैं, गेट से बाहर निकलते हैं, बाद में सब बाहर। जब राकेश भाई धर्मपुर के प्रांगण से बाहर निकलते हैं, 3 दिन की 2 दिन की शिविर पूरी होते हैं, दोनों और वो युवा युवती हाथ जोड़कर खड़े होते हैं, राकेश भाई के गुजर जाने के बाद सब बाहर निकले। ये वो ही जैन है जो आज पहले यहां आते थे आज वहां। एक गृहस्थ का इतना सम्मान,
हम जय नहीं कर सकते हैं? जिन शासन की परंपरा का सम्मान हम नहीं कर सकते क्या? इतनी जल्दी है आगे जाने की, क्या होगा? 15 मिनट जल्दी पहुंच जाएंगे, 20-25 मिनट जल्दी क्या करना क्या है? जल्दी पहुंच के यहाँ के भगवान के सामने पॉट बैठा, जल्दी आ जाओ। यहाँ आने के बाद भगवान के सामने काउसक ध्यान में कौन बैठा? यहाँ आने जल्दी आने के बाद अहो भाव से भावित कौन हुआ? आज मेरी यात्रा प्रभु आपकी कृपा से अच्छी हो गई। अब 2 दिन बाकी, कल 10 किलोमीटर से कम बिहार है और अधिक लिमिट पकड़ लो 10 किलोमीटर, परसों 7 से 8 किलोमीटर। टाइम हमारा वही है 6 बजे निकलने का, 10 किलोमीटर यानी 8, ज्यादा से ज्यादा 8:15 बजे पहुंच जाए कल। मैं चाहूंगा 2 दिन अनुशासन हो, जिनाकिया का बहुमान हो, यहां से जब तक वो शहनाई वाला और गाड़ी वाला गीत बजाता है करीब 200 मीटर ज्यादा नहीं चलता है, 200 मीटर सब अनुशासन में चलेंगे साधु भगवंत, इसके साथ संघवी परिवार, इसके पीछे यात्री, इसके पीछे साध्वी जी भगवंत, बहने इसके भी पीछे श्राविका। जब वो गाड़ी रुक जाती है फिर आप जाओ आगे। कोई कल की ये व्यवस्था होनी चाहिए, जिन शासन के प्रति बहुमान से और जिनाज्ञा के प्रति बहुमान से। और परसों कल आप 200 मीटर के बाद आगे जाओ कोई दिक्कत नहीं, लेकिन परसों पालीताना नगर में प्रवेश करो, सबको जल्दी होगी तलेटी की स्पर्शना करो, लेकिन 5 दिन आपको यहां तक ले आने वाले संघवी परिवार उनका औचित्य चूककर, जिनाज्ञा का औचित्य चूककर तलेटी की स्पर्शना के लिए इतनी जल्दबाजी करना, ये भक्ति नहीं है, आसाधना। सब साथ में चलेंगे पालीताना नगर में, पहले कोई भी प्रवेश नहीं करेगा। पालीताना धाव में जाएंगे पहले, वहां से पेढ़ी जाएंगे, वहां संघपति की गद्दी है, उस वक्त ये संघ, ये मर्यादा, इनके प्रति बहुमान होना चाहिए, उस संघपति के गद्दी के ऊपर संघवी परिवार बैठेगा, हम सब उस दृश्य के साक्षी होंगे बहुमान के साथ, व्यक्ति के प्रति नहीं, जिस भाव के साथ ये संघ निकला है उस भाव के प्रति बहुमान के साथ। और फिर वहां से सामैया के साथ हम सभी इससे पहले कोई तलेटी की स्पर्शना नहीं करेंगे, हम सब साथ मिलकर तलेटी की स्पर्शना करेंगे। ऐसा मत सोचना जल्दी जल्दी पहुंच जाएगा तो जल्दी जल्दी लाभ मिल जाएगा, अधिक लाभ मिल जाएगा, नहीं। ये 2 दिन अनुशासन के हैं और परसों यानी 31 तारीख को, इसके बाद परसों के क्या है समय आपको दिया जाएगा माला रोपण का, यानी माला की जो विधि प्रारंभ होने का समय आपको दिया जाएगा। मैं यहाँ पूछना चाहता हूँ, उस वक्त सारे दूसरे कार्य, पूजा आदि सारे कार्य गौण करके वहां चतुर्मुख भगवान विराजमान होंगे, गिरिराज की वो छत्र छाया रायन पगले के सामने, जहां प्रभु ने 99 पूर्व 12 पगलिए किए हैं और धर्म देशना फरमाइए, उस स्थान के बराबर सामने, बराबर वहां पर है, उस स्थान के बराबर सामने चतुर्मुख प्रभु जी विराजमान होंगे, जहां ये विधि प्रारंभ होगी, उस वक्त विधि प्रारंभ से माला रोपण तक वहां कौन बैठेगा? सिर्फ ऋण चुकाने के भाव से, कोई नहीं, सब बैठे। अब भाई मैं इनको पहचानता मतलब मालवा की बात अलग है, आज ही गोचरी वापरते वापरते बात कर रहे हैं कि यहां से जो प्रेरणा दी जाती है, इसकी स्वीकृति जिस प्रकार की, वो ये लगभग लगभग अधिकतर लोग मालवा के हैं, किसलिए? क्योंकि वहाँ साधु साध्वी के संयोग बहुत कम मिलते,
वहां साधु संतों के प्रति जो आदर आज भी है, इसलिए पाठ पर से जो कुछ भी कहा जाता है वितराग की पाठ पर से, इससे भावित होकर अभी मेरे पास चिट्ठी आई है साध्वी जी, भगवंत ने दी। कल का प्रवचन सुनने के बाद एक व्हीलचेयर वाली बहन 19 साल की उम्र, उसने तय किया कि मैं कल का विहार यानी व्हीलचेयर नंगे पांव से चलाऊंगी, और आज 15 किलोमीटर वो नंगे पांव से उसने व्हीलचेयर चलाई है, और उस 15 किलोमीटर में कम से कम 100 बार ये बोली है, नीचे देखी ने चालू तोज कीड़ी देखा है, यानी नीचे देखकर चलूंगी तो ही मैं चीटी को देख पाऊंगी। मालवा की धरती है, अभय भाई का वचन आप सबको सत्य साबित करना, यानी कोई इधर आदिनाथ भगवान की पूजा की लाइन में बैठा है, कोई यहीं पूजा करने चाहता है, पूजा ये है कल की पर जो 31 तारीख की पूजा है, विधि के प्रारंभ होने से पहले आपको जहां जाना हो वहां जाओ, और मालारोपण के बाद जहां जाना हो वहां जाओ, लेकिन उस समय आप सबको कहां होना चाहिए, आंखों में विनाश, गीली आंखें भीतर में विनाश, जिस प्रकार से आप लोगों ने यात्रा की है उसमें जिन्होंने सहायता दी वो संघवी परिवार, करीब करीब कुछ लोग मुझे बता गए महाराज साहब मुझे भी संग निकालना, कुछ लोग शायद मेरे तक अभी तक नहीं पहुंच पाए, लेकिन ये देखकर बहुत लोगों को भावना हो सकती है संघ निकालना है। मैं आपसे पूछता हूँ, ये संघ आपने ही निकाला है ऐसा समझ लो, और माला के समय पर अरे करीब करीब 400 यात्री है, उसमें से 100 उपस्थित है, 300 आगे पीछे, तो आपको आनंद होगा कि नहीं होगा? नहीं होगा। तो ये आपका ही संघ है, ऐसा कैसे कर सकते? तो अब 3 दिन जिनाज्ञा के प्रति बहुमान के साथ अनुशासन, कल यहाँ से 6 बजे रवाना होंगे, सब साथ में रहेंगे 200 मीटर जहां तक वो गाड़ी चलती है, फिर आगे जा सकते हो, परसों कोई आगे नहीं जाएगा, सब साथ में चलेंगे, तलेटी की स्पर्शना साथ में करेंगे, और 31 तारीख को मालारोपण की विधि में 100% हाजिरी आपकी आवश्यक है, तब ही आपकी संघ यात्रा सार्थक, पूर्ण रूप से सार्थक कहलाएगी, नहीं तो वो कमजोर हो जाएगी, अपने स्वार्थ के लिए, निजी स्वार्थ के लिए इधर उधर भाग जाना, चलो आए हैं फिर से कब पालीताना आएंगे, फिर से आने की बात नहीं है। हमारे गुरुदेव फरमाते थे उनके समय पे कोई पालीताना जाता था, अहो भाव आप पालीताना जा रहे हो, यात्रा सस्ती हो, महीने महीने में लोग इधर आते हैं, लेकिन बहुमान आप पालीताना, ये 5 रुपये भंडार में प्रभु जी का भंडार भरना, और पालीताना आने के बाद उस व्यक्ति ने कहीं रात को खा लिया, अरे आप पालीताना जाकर रात को खाते हो, ये बहुत पुरानी बात नहीं कर रहा हूं, 100 साल पहले की बात, तो आएंगे बार बार बुलावा इनका आएगा, लेकिन जब आए हो तो यात्रा जिस प्रकार से होनी चाहिए उस प्रकार से हो तो वो यात्रा बनती है, नहीं तो यात्रा नहीं बनती है। आज बस समय यहाँ मैं आगे नहीं लेता हूँ, पूरा करता हूँ।